भीगा है समा, ऐसे में है तू कहा, मेरा दिल ये पुकारे। क्या आजा? हमारा वायरल नहीं हुआ डैफी भाई, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अबे तुम्हारे से स्ट्रक्चर की तो क्या सरीन, आज बात करेंगे इन मैडम के बारे में जिनको पाकिस्तान के तकरीबन हर नौजवान लड़के का इस टाइम जो है ना दिल पुकार रहा है, वो भी जोर जोर से पुकार रहा है, मतलब कि आजा भाई आजा, अब आ भी जा। तो इनकी वीडियो वायरल हुई और नेट पे मच गई धूम, और देख के बाबा जी सख्त से सख्त लौंडे भी गए झूम, मतलब बात होगी है भाई। एंटी के मूव्स, मतलब एंटी तो नहीं कह सकते, खैर जी इनके मूव्स इतने चौकस थे कि भाई सख्त लौंडे भी गए पिघल बिल्कुल पिघल। अब 90% बॉयज जो जिन्होंने इसकी वीडियो शेयर की है उनकी पोस्ट के कैप्शन क्या थे, सिर्फ एक कैप्शन था, हर मूव्स भाई, मतलब हद होती है तरसीवी निगाहों की भाई, हर मूव्स भाई, मतलब इतने गौर से इनके मूव्स देखे हैं इन्होंने कि भाई वीडियो इतनी वायरल करा दी है कि भाई वो बॉर्डर के क्रॉस में भी घूम रही है, इंडिया में भी वायरल हुई है भाई, मतलब हद हो गई है। अच्छा जी, अब इनकी वीडियो वायरल होने के बाद कुछ टिकटॉकर्स ने भी सस्ती कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन आपको पता है ओरिजिनल चीज जो होती है वो ओरिजिनल होती है भाई, मतलब असली होती है, कॉपी होती है, चस नहीं होती, मतलब जो असली चीज की चस होती है वो असली की होती है। अब इनकी वीडियो वायरल होने के बाद आप कोई भी एप्लीकेशन खोल ले, चाहे वो टिकटॉक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोई भी चीज खोल ले, ठीक है, ट्विटर खोल ले, मतलब भाई ट्रेंडिंग पे चल रही है बाजी क्यों कह रहा हूँ मैं, खैर ट्रेंडिंग पे चल रही है, आंटी भी नहीं कहना चाहिए, ट्रेंडिंग पे चल रही है ये दिल पुकारने वाली अच्छा जो भी है, तो बहुत ही, मतलब कि आप कोई भी एप्लीकेशन खोल ले वहां पे ये ट्रेंडिंग पे, मतलब अभी मैं टिकटॉक खोलूंगा, ठीक है अभी मैं खोल के दिखाता हूँ, खैर मैं छोड़े अभी नेट नहीं आ रहा, तो मैं टिकटॉक खोलूंगा कि दो पोस्टों के बाद दिल ये पुकारे आजा भाई, मतलब बात होगी है, रात को भाई मतलब आंखें मेरी बंद होती है, मैं नींद में होता हूं तो भी जो है ना यही गाना जो है ना चल रहा होता है कि भाई दिल ये पुकारे, और साथ इनके मूव्स आए, खैर कोई नहीं। अच्छा जी, अब इतना ज्यादा फेमस होने के बाद मैडम का एटीट्यूड चेक करें कि आप इनके इंस्टाग्राम खोल के देखिए, आपको एक पोस्ट भी जो है ना नजर नहीं आएगी, मतलब कि इनकी जगह अगर कोई और होता तो भाई कैश करते जैसे वो पार्टी कैश हुई थी, या इस तरह मतलब किसी का कोई ट्रेंडिंग पे चली जाती है चीज, तो वो कोशिश करता है कि अब मैं इससे ना फेम पकड़ू, लेकिन नहीं, मैडम का आप एटीट्यूड चेक करें, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट खोले, खाली जो है ना फॉलोअर से इंक्रीज होते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं, ना इनको कोई फर्क पड़ा इस चीज से, ना इन्होंने उसके बारे में कोई पोस्ट किया कि भाई मेरा डांस वायरल हो गया या मैं मशहूर हो गई हूं, नहीं, लेवल है जी। अच्छा जी, अब पाकिस्तान के जितने भी लोंडों ने ये वीडियो देखी है ना, जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने देखी थी, ठीक है मुझे छोड़ के, तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने देखी थी, तो मतलब उन्होंने ना कोई 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 10 से 20 दफा, मतलब के भाई जिन्होंने भी पहली दफा ये वीडियो देखी थी उन्होंने रिपीट पे लाजमी देखी थी, मतलब ऐसे नहीं है कि आपने ये वीडियो देखी है पहली बार, ठीक है, और आपने इसको स्किप कर दिया या ऊपर कर दिया है, नहीं, आपने रिपीट पे वापिस लाजमी देखी होगी और शेयर भी की होगी और ऊपर लिखा होगा हर मूव्स दिल ये पुकारे अच्छा खैर जी, अभी उस दिन मैं मोबाइल में ये इसी तरह ये वीडियो देख रहा था इनकी, तो साथ में 2-4 लड़कियां बैठी थी, तो वो कहती हैं जी हाँ ये क्या भाई, इसमें क्या खास बात है, इसने अभी जो ना लड़कों को अपने पीछे लगा लिया, भाई मूव्स चेक करें ना आप खाली, मतलब भाई लेवल है। तो बाबा जी ये थी जी दिल पुकारे की स्टोरी, ठीक है, तो मतलब कि चौकस किस्म का इससे डांस किया, और पाकिस्तान के जितने भी लड़के थे ना, वो जिनको जिसमें क्रश था ना, वो सारे क्रश खत्म करा के ना सारे क्रशेस जो अपने ऊपर जो है मोड़ लिए, और इनका जो है ना एक लेवल हो गया। बाकी बाबा जी मिलते हैं अगली स्टोरी में, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज टैप यू ऑन द माइक, तो नीचे यूट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन भी दबा दिया करो भाई, ताकि आपको आने वाली हर पिस्टलबाजी का नोटिफिकेशन मिल सके, थोड़ा सा लव दिखाओ भाई, मिलते हैं अगली स्टोरी में, स्टे ब्लेस्ड, प्लीज टैप यू ऑन द माइक, पीस आउट।